hey guys how are you doing hope you are doing great in this lockdown period uh, to achieve your goals because you have so many free times you can use it properly uh, guys my name is khalik sir and you are watching me on english with khalik sir गाइज uh, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रेजेंट इन टेंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंट्री टेंस के सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट कंट्रीन्यूअस टेंस होता क्या है ओके अवर्ब विच प्रेजेंट टाइम इन कंटिन्यूअस एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट कंट्रीन्यूअस टेंस अर्थात क्रिया का वूप जिससे वर्तमान समय में किसी भी काम का जारी रहना मालूम होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग वह खेल रही है शी प्लेइंग इन दोनों वाक्यों से ये मालूम चल रहा है कि अभी बोलते समय कोई काम जारी है उसी तरह राम पढ़ रहा है हम लोग दिल्ली जा रहे हैं वह अभ्यास कर रही है है ना सीता खाना बना रही है इन सब वाक्यों से ये मालूम चलता है कि वर्तमान समय में अभी बोलते वक्त कोई काम जारी है तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंट्री टेंस कहते हैं पहचान क्या है उसकी मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब मेन वर्ब जो है वो बेसिकली तीन होते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से मेन वर्ब के अंत में रहा है रही है रहे हैं, रहे हो इत्यादि ऐसे वाक्य ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं ओके जैसे मैं जा रहा हूं अब यहां देखिए रहा हूं यहां पर सेंटेंस के अंत में क्या है लिखा हुआ रहा हूं है तुम गा रहे हो सेंटेंस में अंत में क्या है रहे हो राम पढ़ रहा है सेंटेंस के अंत में क्या है रहा है ठीक है वैसे ही नीचे देखते हैं वह सोया है अरे यहां पर तो सोया है लिखा हुआ है मैं तो बात कर रहा हूं कि सेंटेंस के अंत में रहा हूं रही हूं रहे है रहता है तो वो वाक वो वाक जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंत में का होता है लेकिन यहां पर क्या है वह सोया है राम खड़ा है सीता अगले माह दिल्ली जा रही है ये बात तो समझ में आ रहा है कि भाई अंत में रहा है रही है लेकिन यहाँ पर वह सोया है राम खड़ा है ठीक है यहाँ पर रहा है रही है नहीं हम लोग बेसिकली हिंदी Uh, के अंत में रहा है रही है जो लिखा हुआ है उससे हम फंस जाते हैं कि जहाँ पर रहा है रही है होगा वहीं पर प्रेजेंट टेंस होगा और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर उसको हम नहीं मानेंगे लेकिन ये गलत है अब कैसे गलत है वह सोया है का मतलब क्या होता है उसके सोने की क्रिया जारी है क्या है जारी है अब क्या बनाएंगे इसका ही इज स्लीपिंग राम खड़ा है राम के खड़े होने की क्रिया क्या है जारी है क्या है जारी है मतलब के वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते समय किसी भी काम का जारी रहना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है ओके okay? उसी तरह मैं अगले माह दिल्ली जा रहा हूं मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ बल्कि अगले माह काम करने वाला हूँ अगर सही से देखेंगे तो मैं काम करने वाला हूँ कर नहीं रहा हूँ बल्कि करने वाला हूँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है लेकिन मैं अगले माह दिल्ली जा रहा हूँ के अंत में रहा है रही है ये कैसे हो जाएगा परसेंटेज तो फ्यूचर में कोई प्लानिंग जब हम करते हैं फ्यूचर में जब कोई प्लानिंग करते हैं फ्यूचर में करने के कर लिए तो उसकी क्रिया जो होती है वो अभी से शुरू हो जाती है मतलब ये हुआ कि मेरे अगले माह दिल्ली जाने की जो क्रिया है वो प्लानिंग जो है वो अभी से मेरी शुरू हो गई मैंने अभी से प्लान कर लिया जाने का तो उस वाक्य को बनाने के लिए फ्यूचर में प्लान के साथ गोइंग टू लगता है क्या लगता है गोइंग टू जैसे मान लिया मैं अगले माह दिल्ली जा रहा हूं तो उसका ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू क्या होगा गोइंग टू दिल्ली ठीक है नेक्स्ट मंथ ओके okay? तो यहां पर क्लियर हो गया कि सेंटेंस के अंत में रहा हूं रही हूं अगर रहता है तो होगा ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि कोई काम बोलते समय जारी है और जब जारी है तो उसमें जरूरी नहीं है कि रहा हूं रही हूं लगा ही हुआ हो जैसे वह सोया है तो उसके सोने की क्रिया क्या है जारी है तो क्या होगा ही इज स्लीपिंग होगा राम खड़ा है तो राम के खड़े होने की क्रिया क्या है जारी है तो क्या होगा राम इज स्टैंडिंग क्या होगा स्टैंडिंग अब इसको बनाते कैसे हैं ये हम आगे देखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए सबसे बात पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ओके अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं सकारात्मक वाक्य वह वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और न ही प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग उसमें होता है अर्थात ना ही कोई उसमें प्रश्न पूछा जाता है और ना ही कोई उसमें नहीं का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य रूल होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है ना अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा इज एम और आर हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं तो मेनली जो होते हैं वो चौबीस होते हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया है मॉडल्स का और हेल्पिंग वर्ब को भी लेकिन यहां पर बात करेंगे इज एम और आर ये तीन हेल्पिंग वर्ब यहां पर प्रयोग पर में आते हैं अब किस किस के साथ कौन कौन सा लगता है वो हम देख लेंगे यहां पर तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब के साथ ing, जिसको वी फोर भी हम कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है पहला सेंटेंस है मैं एक पत्र लिख रहा हूं मैं एक पत्र लिख रहा हूं आई एम राइटिंग अ लेटर जिसमें सब्जेक्ट होगा आई डोअर ऑफ द एक्शन करता उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा क्या रहेगा एम लगेगा राइटिंग अ लेटर पत्र लिख रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम पत्र लिख रहे हैं आई एम राइटिंग अ लेटर मैं एक पत्र लिख रहा हूं अगला है सीता किताब पढ़ रही है सीता इज रीडिंग अ बुक सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया है ओके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सीता के साथ इज का प्रयोग किया गया है तुम कुर्सी पर बैठे हो यू आर सिटिंग ऑन द चेयर अब यू के साथ आर का प्रयोग किया गया है आई के साथ एम का सीता के साथ एज का और यू के साथ आर का प्रयोग किया गया है? अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे ये कैसे है पर्सन तीन प्रकार के होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन स्पीकर को बोलते हैं सेकंड पर्सन लिसनर को बोलते हैं थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन यानी कि जो बोलने वाला होता है उसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन जो सुनने वाला होता है उसको बोलेंगे हम सेकंड पर्सन और जो जिसके बारे में बात चल रही होती है उसको बोलेंगे हम लोग थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लरल नंबर नंबर दो होते हैं एक वचन और बहुवचन तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ठीक है आई एम रीडिंग अ बुक मैं एक किताब पढ़ रहा हूं आप ध्यान देंगे यहां पर आई के साथ किसका प्रयोग किया गया है तो एम का प्रयोग किया गया है ठीक है प्लरल में हो जाएगा वी आर रीडिंग बुक हम लोग किताब पढ़ रहे हैं सेकेंड पर्सन यू आर लॉफिंग तुम हंस रहे हो यू के साथ किसका प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब में आर का यू आर वीपिंग तुम लोग रो रहे हो है ना यू प्लरल में भी इस्तेमाल किया जाता है और यू सिंगुलर में भी इस्तेमाल किया जाता है यू आर वीपिंग तुम लोग रो रहे हो थर्ड पर्सन में ही के साथ इज ही इज ईटिंग फूड शी के साथ इज शी इज ईटिंग फूड इट के साथ इज ईटिंग इट इज ईटिंग फूड राम के साथ इज राम इज ईटिंग फूड वह खाना खा रहा है वह खाना खा रही है राम खाना खा रहा है इट का प्रयोग छोटे पक्षियों के लिए या निर्जीव पदार्थ के लिए किया जाता है इसके प्लरल में आएंगे दे आर मेकिंग एनवाइज वे लोग शोर मचा रहे हैं वे लोग हल्ला कर रहे हैं एक आदमी नहीं बल्कि कई लोग थर्ड पर्सन प्लरल नंबर दे आर मेकिंग अनवाइज दे का प्रयोग दे के साथ आर का प्रयोग किया गया यहाँ हमने दिया भी है इस कहाँ पर लगाते हैं तो इसका प्रयोग ही के साथ शी के साथ इट के साथ या किसी भी नाम के साथ या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जैसे बॉय हो गया है ना जैसे गर्ल हो गया जैसे बिल्डिंग हो गया कुछ भी चीज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही इज लगेगा प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम का प्रयोग केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है आर का प्रयोग वी के साथ यू के साथ दे के साथ थर्ड पर्सन प्लरल नंबर के साथ यानी कि बॉयज है ना बिल्डिंग्स सिटीज वगैरह वगैरह के साथ हम लोग का आ, वी, का वी आर प्रयोग करेंगे ओके अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में ओके अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे किसको है ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया है उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्क प्लस नॉट प्लस वर्क के साथ आई एनजी प्लस सब्जेक्ट है ना तो सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर हेल्पिंग वर्ग में क्या रहेगा इज या एम या आर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और वी फोर लगा देंगे के साथ लगा देंगे ऑब्जेक्ट ओके वह खाना नहीं खा रही है शी इज नॉट ईटिंग फूड तुम बाजार नहीं जा रहे हो यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट मैं नहीं सोया हूं आई एम नॉट स्लीपिंग बिल्कुल है समझ में आने वाला है आगे बात करें इंट्रोग सेंटेंस की इंट्रोगटिव सेंटेंस होता क्या है तो ऐसा वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है एक होता है क्वेश्चन वर्ड और एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड पहला देखते हैं क्वेश्चन वर्ड पहला क्वेश्चन वर्ड का रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट है ना जैसे क्या तुम गाना गा रहे हो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में जब हिंदी के क्या से जब हिंदी के क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है कोई प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होता है हिंदी के क्या से कोई प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होता है तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं और क्वेश्चन वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाजगर जो है उससे शुरू होता है ना जैसे क्या तुम गाना गा रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब है इज या एम या आर तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग क्या वह दिल्ली नहीं जा रही है नेगेटिव सेंटेंस इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली हेल्पिंग वर्क क्या लगा यहाँ पर इज लगा यहाँ पर यू के साथ क्या लगा हम जानते हैं आर लगेगा ठीक है इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली क्वेश्चन वर्ड अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड है ना ऐसा वाक्य जिसमें हिंदी का क्या नहीं लगता हो ऐसे प्रश्न वाक्य वाक्य जो क्या से शुरू नहीं होते हो बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता हो उसे हम डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं जैसे तुम क्या कर रहे हो तुम जो है वो क्या है यू प्रोनाउन है नहीं वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है वह क्या है ही क्या है ये प्रोनाउन है क्या है Pronoun. तो नाउन या प्रोनाउन से कोई प्रश्नवाचक वाक्य अगर शुरू होता है तो उसे हम डब्लू एच प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी के क्या से शुरू होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड इस पर हम एक छोटी सी वीडियो अच्छी तरीके से बनाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए ठीक है अलग से तो सब डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस सब्जेक्ट पहले जो है इसमें हेल्पिंग वर्ड लगता है है ना उसके बाद सब्जेक्ट uh, लगता है इसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है उसके बाद सब्जेक्ट लगता है उसके बाद वर्ब के साथ आई एनजी वर्क का फॉर्म लगता उसके object है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है ठीक है तो तुम क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग है ना वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है वाई डब्ल्यू एच वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट नॉट नेगेटिव का है ना रीडिंग अ बुक वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है ठीक है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें